उर्दू दुनिया के मुमताज शायर अहमद फराज ने एक शेर में क्या खूब बात कही थी। और फराज, चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। सुरों की मलिका, गीत संगीत की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली गायिका, बुलबुले हिंद, लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। लता की शोहरत और आवाज के सहर से मुतासर होकर ना सिर्फ कुछ वालिदैन ने बच्चों के नाम के साथ लता का इजाफा कर दिया, बल्कि चंद फनकारों ने भी अपने नाम के साथ लता लगा लिया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। लता जी को कुदरत ने आवाज की दौलत से नवाजा। यही वजह है कि बरे सगीर पाको हिंद में ना तो लता मंगेशकर से पहले कोई इतनी बड़ी गायिका नजर आती है और ना ही इनके बाद। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, कई गुलूकारों ने उनकी पैरवी की और कई नस्लें उनकी मद्दाह हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1930 को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुई। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर शोबिस से मुंसलिक थे और गुलुकारी और अदाकारी के शोबे में अपनी पहचान रखते थे। यही वजह थी कि लता जी कम उम्री से ही मौसीकी की तरफ मायल थीं। भारतीय फिल्मी सनद में दीदी के नाम से पहचानी जाने वाली लता मंगेशकर ने अपने कैरियर में मुख्तलिफ जुबानों में 50,000 से जायद गाने गाए। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक माहिर क्लासिकल गुलूकार और स्टेज अदाकार थे। इब्तदाई तौर पर लता की पैदाइश हिमा के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में उनके वालिद ने इनका नाम बदलकर लता रख दिया था, जो इनके एक ड्रामे की एक किरदार से मुतासिर हुए थे। लता जी ने अपनी मौसीकी की तरबियत 5 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। उनके वालिद ने उन्हें तरबियत देने की जिम्मेदारी कबूल की थी और उनकी महारत को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने थिएटर ड्रामों में भी शामिल किया था। इससे पहले कि जवान लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख सकती, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्होंने बाद में अमानत खान, पंडित तुलसीदास शर्मा और अमान अली खान साहब जैसे उस्तादों से क्लासिकल मौसीकी का सबक भी लिया। लता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद शुरू शुरू में अदाकारी भी की और मुख्तलिफ फिल्मों में बच्चों के किरदार निभाए। ताहम फिर उन्होंने खुद को सिर्फ और सिर्फ गुलूकारी के लिए वक्फ कर दिया। उनकी पहली हिंदी फिल्म आपकी सेवा थी। लता को भी सिनेमा की दुनिया में कैरियर के इब्तदाई दिनों में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि उनकी महीन आवाज की वजह से इब्तदा में मौसीकारों ने उन्हें काम नहीं दिया और इन्हें असरी मौसीकी के कंपोजर्स की जानिब से बेहद सख्त और हकारत वाले रवैये का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से मौसीकारों को उनकी आवाज बहुत ही पतली और तेज नजर आती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो सबसे बड़ी गुलूकारा है। लता मंगेशकर ने फिल्मी गानों के अलावा कुछ नातें और गजलें भी गाई थीं। उन्होंने गजल गायकी में फन पैदा करने के लिए उर्दू के मुमताज उस्तादों से बाकायदा उर्दू सीखी। वो गजल गायकी में मेहंदी हसन की सबसे बड़ी मद्दाह रही हैं। उनके एक जुमले ने जो उन्होंने मेहंदी हसन के लिए कहा था कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। लता जी ने पहला फिल्मी गाना सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए गाया था। उसके बाद उन्होंने तमिल और मराठी में इलाकाई फिल्मों के लिए प्लेबैक गाना शुरू किया। इनका तमिल में पहला गाना 1956 में फिल्म अनारधम में अंथन कलिंग था। मराठी में अपने भाई हरिनाथ मंगेशकर के लिए गाना गाया, जो एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे।
जैटरी जेट जैसी फिल्मों में उन्होंने सलल चौधरी और हिम्मत कुमार जैसे मौसीकार हदायतकारों के लिए बंगाली फिल्मों में प्लेबैक गाना गाया था। लता जी अपनी फनी जिंदगी में पेश आने वाले बहुत से वाकयात का जिक्र अक्सर करती रहती हैं। ऐसा ही एक काबिले जिक्र वाकया ये है कि जब लता जी के सरपरस्त गुलाम हैदर उन्हें मशहूर प्रोड्यूसर सशादर मुखर्जी के पास ले गए ताकि वो इन्हें इनको फिल्म में गाना गाने का मौका फराहम कर सकें, तो मुखर्जी ने लता जी की आवाज सुनने के बाद इन्हें मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि लता जी की आवाज अभी गानों के लिए पुरकशिश आवाज बनने के लिए बहुत कम है। इस पर गुलाम हैदर बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुखर्जी को कहा कि जल्द ही एक वक्त ऐसा आएगा जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लता के पांव पर पड़ेंगे और इन्हें इनकी फिल्मों में गाना गाने की दरख्वास्त करेंगे। और फिर वाकयतन इसी तरह के वाकयात बाद में लता जी के कैरियर में पेश आए जब उनकी मिन्नतें बड़े बड़े मौसीकार करने लगे और मौसीकार तो क्या अवाम ने भी उनकी पूजा की। 70 बरसों से जायद अरसे पर मुहित अपने कैरियर में लता ने अपने दौर के सभी छोटे बड़े मौसीकार के साथ काम किया और बॉलीवुड के शोहरत याफ्ता गुलूकार मोहम्मद रफी, मुकेश, मुनाडे, किशोर कुमार, एसपी बाला, शबीर कुमार, आदित्य नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम के साथ सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। और उनके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मशहूर गुलूकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ भी आवाज का जादू जगाया। वो मलका तरन्नुम नूर जहान को अपना आइडियल मानती हैं और कई बरस तक उन्हें फॉलो भी करती रहीं। मैं फैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूर जहां जी की फैन थी हूँ। शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए ये मैंने नूर जहां से सीखा। 1945 के बाद लता जी ने अपनी शानदार गायकी की बदौलत अलग पहचान बनाई, लेकिन वो आज भी नूर जहान को बहुत याद करती हैं। बरेसगीर के मुमताज मौसीकार ने लता जी के लिए समातों में जादू जगाने वाले हजारों गीत तख्लीक किए। इनमें मौसीकार अजीम कहलाने वाले नौशाद, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, आर डी बर्मन, बप्पी लहरी, अनु मलिक, राम लक्ष्मण, नदीम शेरवान और ए आर रहमान समेत कई मौसीकारों ने लता जी की दिल को छूने वाली आवाज को इस्तेमाल किया। राज कपूर और यशराज चोपड़ा ये दोनों अजीम डायरेक्टर अपनी फिल्मों में सफाई अव्वल की हीरोइन को कास्ट करते थे, मगर दोनों की हर दूसरी फिल्म में सिर्फ लता मंगेशकर ही उनकी पहली चॉइस हुआ करती थी। लता मंगेशकर ने वैसे तो हजारों गीत गाए हैं और उनके मकबूल गीतों की तादाद भी हजारों में है। हम यहाँ उनके चंद सुपरहिट गीतों का जिक्र करेंगे। 1940 की दहाई में लता जी ने फिल्मों के लिए गाना गाना शुरू किया और कई सुपरहिट गीत गाए। फिल्म हीर रांझा का गीत दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वाले सदके तुम्हारे बहुत मकबूल हुआ। उनकी फिल्म बरसात के लिए नगमे, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, जिया बेकरार है, छाई बहार है और मेरी आंखों में बस गया कोई ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म बड़ी बहन का गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, फिल्म दुलारी का गाना ऐ दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, आएगा आएगा आने वाला आएगा, जब मधुबाला पर फिल्माया गया तो हर तरफ उसके चर्चे होने लगे। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ऐ दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ऐ दिल तुझे कसम है। 1950 की दहाई में फिल्म निराला का मशहूर गाना महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, फिल्म समाधि का गीत गोरे गोरे ओ बांके छोरे, सरगम का कोई किसी का दीवाना न बने, फिल्म मल्हार का मशहूर गीत बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम और फिल्म आवारा का गीत घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की बेहद पसंद किए गए। जाने
गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाके छोरी चाहे रोज बुलाया करो। कोई किसी का दीवाना ना बने, कोई किसी का दीवाना ना बने, हो तेरे नजर का निशाना ना बने। 1960 की दहाई में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली फिल्म मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सत्तर और अस्सी की दहाई में शायद ही कोई गाना ऐसा हो जो मकबूल ना हुआ हो। 1990 में फिल्म आज का अर्जुन का गाना गोरी है कलाइयां को बहुत ही सराहा गया। फिल्म लेकिन के गीत यारा सिली सिली ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म किंग अंकल का गीत इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, फिल्म हम आपके हैं कौन का नगमा, दीदी तेरा देवर दीवाना, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर गाना मेहंदी लगा के रखना, फिल्म दिल तो पागल है का दिल तो पागल है, और फिल्म दिल से का गाना जिया जले जा जले के चर्चे आम हुए। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है, यही हंसाता है, यही यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जिया चले जा चले नैनू चले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी, जिया चले जा चले नैनू चले। नई सदी के आगाज में लता मंगेशकर ने गाना कम कर दिया था। फिल्म मोहब्ते का सुपरहिट गीत हमको हमी से चुरा लो और फिल्म कभी खुशी कभी गम के गीत उनकी आवाज में मकबूल हुए। लता 2015 तक चंद एक गाने गाती रहीं, लेकिन फिर अपनी अलालत की वजह से उन्होंने गाने कम कर दिए। अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने एतराफ किया है कि वो पाकिस्तान में अपने मदाहों से मिलना चाहती हैं, लेकिन कभी ऐसे हालात ही नहीं बने कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। अपने तवील कैरियर में लता जी ने चार मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। इसकी वजह ये है कि उन्होंने 1971 में फिल्म फेयर इंतजामिया से कह दिया था कि उन्हें अब अवार्ड के लिए नामजद ना किया जाए। उन्होंने 1966, 1963, 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड जीते। उन्होंने तीन फिल्म फेयर अवार्ड 1972, 1974, 1990 और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड 1964, 1973, 1975, 1981, 1985, 1987, 1991 में हासिल किए। वो चार बार बेहतरीन खवातीन प्लेबैक गुलूकार के फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। उन्हें 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 2009 में
लता मंगेशकर को फ्रांस के आला तरीन अवार्ड फ्रांसीसी लेजेंड ऑफ ऑनर के ऑफिसर के एजाज से नवाजा गया। लता मंगेशकर को ये एजाज हासिल है कि उनकी आवाज पर बॉलीवुड की तमाम फिल्मी हीरोइनों ने होंठ हिलाए। मधुबाला, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, पद्मनी कोहलापुरी, जिया प्रादा, परवीन बॉबी, जीनत अमान, गर्ज हर नई और पुरानी हीरोइन पर इनकी आवाज जचती थी। 1974 से 1991 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने पर इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि लता मंगेशकर जैसी आवाज सदियों में पैदा होती है। उनका कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा एहसास उनके गीतों को पसंद करने वालों की चाहत है।